नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए। ये व्यू पॉइंट जोलिंगकोंग इलाके में है, जहां से कैलाश पर्वत साफ नजर आता है। इसके लिए अब चीन के कब्जे वाले तिब्बत जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही पीएम ने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। यहां से 20 किलोमीटर दूर चीन की सीमा शुरू हो जाती है। नरेंद्र मोदी देश के पहले पीएम हैं जिन्होंने उत्तराखंड से लगी भारत चीन सीमा पर आदि कैलाश पर्वत का दर्शन किया है। उत्तराखंड में धारचूला से 17 किलोमीटर दूर और 14,000 फीट ऊपर बसा छोटा सा वीरान गांव गुंजी अगले 2 साल में बड़े धर्म नगर शिव धाम के रूप में विकसित हो जाएगा। कैलाश व्यू पॉइंट ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का धारचूला के बाद यही सबसे बड़ा और अहम पड़ाव होगा। यहाँ बड़े यात्री निवास होटल बनेंगे, भारतीय टेलीकॉम कंपनियों का नेटवर्क भी मिलेगा, गांव में होम स्टे बढ़ाए जाएंगे। गुंजी व्यास घाटी की उस सुरक्षित जमीन पर है जहां न भूस्खलन का खतरा है और न ही बाढ़ का। अब यहां 20 से 25 परिवार ही रहते हैं जो बामुश्किल अपना खर्च चला पाते हैं। पिथौरागढ़ डीएम रीना जोशी के मुताबिक गुंजी में दाएं तरफ से नाभीढांग, ओम पर्वत और कैलाश व्यू पॉइंट का रास्ता जाता है, तो बाएं तरफ से आदि कैलाश और जोलिकोंग का। इसलिए ये गांव कैलाश तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए मुफीद है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत। नमस्कार।